इसका कोई जवाब नहीं है। इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, किसी को भी हो सकता है, कभी कभी जेनेटिक भी होता है। आम आदमी की जबान में कहूँ तो ब्रेन में जरा सी वायरिंग की प्रॉब्लम है बस। तो आप ये कह रहे हैं मेरा बेटा नॉर्मल नहीं है, मेंटली रिटार्डेड? अजीब आदमी है आप। ये देखिए, ये देखिए मिस्टर अवस्थी, ये तेज दिमाग हजार ख्याल बुन रहा है रंगों में, आपके और मेरी काबिलियत से कहीं आगे। लेकिन इसका फायदा क्या है? इसमें फायदा क्यों ढूंढ रहे हैं? तो और क्या ढूंढूं, क्या बनेगा बड़ा होकर? वो कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? क्या सारी उम्र में उसे घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? जानता हूं, बाहर एक बेरहम कंपेटिटिव दुनिया बसी है और इस दुनिया में सभी को अपने अपने घरों में टॉपर्स और रैंकर्स उगाने हैं। हर किसी को अव्वल नंबर चाहिए, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट, इससे कम तो बर्दाश्त ही नहीं। 95.5%, 95.6%, 95.7%, इससे कम तो गाली के बराबर है। क्यों? अरे जरा सोचो, हर बच्चे की अपनी खूबी होती है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी चाहत होती है। लेकिन नहीं, हर उंगली को खींचकर लंबी करने में लगे हैं सब। लगे रहो, चाहे उंगली क्यों ना टूट जाए।